आज एक वो वजीफा आप तमामी हजरात के सामने मैं पेश कर रहा हूं जिसकी तारीफ और जिसकी पावर शायद के आप लोग जान जाएंगे, ताज्जुब में पड़ जाएंगे और आपको हैरानी होगी कि वाकई में रशीद अख्तर ने बताया तो बताया क्या। समझ रहे हैं? जी हाँ, आज के इस वजीफे में अगर आप लोग कोई भी काम में कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो आज का ये वजीफा इंशाअल्लाह ताला काबिले तारीफ, काबिले गौर आप तमामी हजरात के लिए होने वाला है। काबिले फिक्र अगर कोई भी इंसान इस वजीफे को करता है, इंशाअल्लाह उस रब्बे कायनात की जात पर मैं यकीन रखता हूँ जिसने मुझे और आपको, बल्कि पूरी कायनात को जिसने पैदा फरमाया है, उस रब की जात पर भरोसा इंशाअल्लाह ताला कीजिए। और इस वजीफे को अगर कोई भी इंसान करता है तो कामयाबी उसके कदम चूमेगी। वजीफा है आयतल कुर्सी का, जिस आयतल कुर्सी के बारे में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है कि अगर एक सहाबी रसूल हैं हजरत अबू मसरद रदी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबी रसूल हैं सरकार के, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने सहाबी से, ऐ सहाबी मसनद ये बताओ ऐसी कौन सी कुरान मुकद्दस में सबसे बड़ी आयत है, ऐसी कौन सी आयत है जो सबसे बड़ी है और सबसे ज़्यादा फजीलत वाली है। तो हज़रत अबू मसरद सहाबी रसूल अल करते हैं, या रसूलल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल को मालूम है। फिर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू मसरद सहाबी ये बताओ सबसे बड़ी आयत और सबसे ज़्यादा फजीलत वाली कौन सी आयत है। तब हज़रत अबू मसरद सहाबी रसूल अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, आयत अल कुर्सी है। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू मसरद तुमको इल्म मुबारक हो, कितनी बड़ी फजीलत है और उसके फ़ायदे क्या हैं और हम इसका वजीफा किस किस मकसद के लिए हम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर ज़रूर बताऊंगा। अगर आपने शुरू से लेकर आखिर तक मेरे इस वीडियो को देखा, इस वजीफे को देखा, आप तमाम हजरात के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी चीज़, अच्छी बातें, अच्छा वजीफा, अच्छा अमल आपकी कामयाबी के लिए इंशाअल्लाह ताला मैं पेश करता रहूँ। तो आज इंशाअल्लाह आयतल कुर्सी का वजीफा आप तमाम हजरात के सामने मैं लेकर के हाजिर हो गया हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे, दीनों दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो दोस्तों, आपको जैसा कि मालूम है मेरे चैनल की हर एक वीडियोज़ और कहना चाहिए कि हर चीज़ मैं कोशिश करता हूँ कि हर इंसान उससे फ़ायदा हासिल करे। मेरा मामला जो है वो किसी भी तरीके से अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए कोई भी चीज़, खुदा कसम दोस्तों, मैं अपने चैनल पे नहीं देता हूँ। बहुत सारे लोग हैं पता नहीं क्या क्या दाढ़ी मुंडे हैं और पता नहीं क्या क्या कहने लगते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखिए कोई भी अमल बताने के लिए, कुरान मुकद्दस का कोई भी पारा, कोई भी सूरत हिफ्ज़ करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शरायतों को पाबंदी के साथ उस पर अमल करना होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे अल्लाह ने मुझे हाफिज़ कुरान बनाया है, क़ारी कुरान बनाया है, उसी के साथ साथ इल्म ज़्यादा नहीं तो थोड़ा मैं जानता हूँ, अल्लाह के फजल करम से मैं एक आमिल भी हूँ, जिन्नाती ताकतों का मालिक हूँ अल्लाह के फजल करम से, है ना। तो बहुत सारे लोग YouTube पे कहते हैं कि ये वजीफा करो ये हो जाएगा, ये वजीफा करो ये हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, अगर आपके घर के अंदर या आप लोगों पर या आपके घर में किसी भी एक इंसान पर अगर जादू को किया गया है तो आप कोई भी वजीफा कर लें आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, कामयाबी मिलेगी ही नहीं। कोई भी आप वजीफा कर लें, कोई भी अमल कर लें, अगर जादू आपके घर में किया गया है तो, समझ रहे हैं, तो अगर जादू किया गया है तो फिर अच्छे आमिल से आप कॉन्टेक्ट करके इंशाअल्लाह ताला उसका इलाज करें ताकि उस जादुई असरात से हमको निजात मिले। अल्हम्दुलिल्लाह अपने भाई से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, जो स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा है ना। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, हाँ, मेरे सामने रखे हुए हैं, देखिए मेरे पास से जब कोरियल जाते हैं ना तो ये सब कोरियल हैं, देख सकते हैं आप, ये सब तावीज़ात हैं ना, ये सब हाथ के लिखे हुए हैं टोटल। और ये कहाँ का है, ये नदीम कुरैशी, जयपुर राजस्थान, ठीक है, देख सकते हैं पूरा मुकम्मल ये सब है, नदीम कुरैशी का है। और आपको और दिखा रहा हूँ मैं दूसरा, ये देखिए ये दूसरा है, ठीक है, पूरा सब हाथ का ले, कोई रेडीमेड नहीं। और ये है खैरुन निशा, ठीक है, एक ये हो गया, दो हो गए, और तीसरा ये हो गया, देख सकते हैं,
पूरा 80 दिन का इलाज मैं देता हूँ इस तरीके से। और ये कहाँ का है, ये रतन सिंह अमेरिका जाएगा, रतन सिंह अमेरिका ये लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंसान से अगर आप इलाज कराएं तो अल्हम्दुलिल्लाह पावरफुल आमिल होना चाहिए। अगर आमिल नहीं है तो आपके पैसे खा जाएगा वो, और आप यही कहेंगे यार भाई हमको कुछ मिल नहीं पाया। समझे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मामला ऐसा है कि कोई भी इंसान अगर मुझसे इलाज कराता, अगर वो इंसान मुझे सामान दे देता है या फिर जो है उसकी कीमत दे देता है, बाखुदा मैं उसका इलाज करके देता हूँ। किसी से एक रुपया की तलब नहीं, बाखुदा एक रुपया भी हराम है किसी भी इंसान से, आज तक मैंने कोई इसमें पैसा नहीं लिया। तो लोग मुझसे चाहते हैं तो मैं इलाज करके देता हूँ, ऐसी जात हो रहा है। डेली 2-3 कोरियल, अभी एक दुबई का कोरियल निकल चुका है, आज मैं पार्सल अभी मैं दे के आया हूँ। ये आराम से, ये थोड़े बड़े काम हैं तो इनके सामान हैं 20-20, 25-25 हज़ार हैं और 40-40 हज़ार का सामान है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कल उल्लू में नाखून और बहुत सारी चीज़ें मंगवाई थी, वो भी काफ़ी महंगा, और बहुत सारी चीज़ें फ़िलहाल। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छे आमिल से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, वजीफ़ा, टॉपिक वजीफ़े का है इंशाअल्लाह ताला, वजीफ़ा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शेयर कर देना सिर्फ, और बाकी कुछ करो या ना करो वो आपकी मर्ज़ी। तो जैसे हम अगर आयतुल कुर्सी शरीफ का वजीफ़ा करेंगे तो किस किस चीज़ के लिए हम कर सकते हैं वजीफ़ा? अपनी परेशानी के लिए, जादू असरात अगर किया गया उसको चेक करने के लिए, समझे। अगर जादू असरात आपके घर में किया गया होगा तो ये वजीफ़ा करेंगे तो ज़ाहिर सी बात आपको तकलीफ़ होगी, वजीफ़ा का मतलब उससे आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, शिफा नहीं मिलेगी, बल्कि परेशानी और बढ़ जाएगी। अगर परेशानी बढ़ती है तो सोच लीजिएगा कि हमारे घर में जो है जादू किया जा चुका है। और जादू भी क्या, इंसान आज के वक्त में इंसान अपने दुख से परेशान नहीं है लेकिन दूसरे के सुख से ज़्यादा परेशान है, है ना। तो मैं तो कहता हूँ दोस्तों कि किसी अच्छे आमिल से कॉन्टेक्ट करके अगर जादू है किया हुआ तो उसको पलटाने की कोशिश करें। तो आज का ये वजीफ़ा जो है जाँच करने के लिए, परेशानी को ख़त्म करने के लिए, बीमारी को भगाने के लिए, कारोबार में कामयाबी हासिल करने के लिए इंशाअल्लाह ताला आयतुल कुर्सी का ये वजीफा ज़रूर करें। कितने दिन करना है वो मैं बताऊंगा, औरतें कितने दिन कर सकती हैं, आदमी कितने दिन कर सकते हैं, समझे, वो तमाम ही हजरात मैं इंशाअल्लाह ताला आपको आज के इस वजीफे में बताने वाला हूँ, ठीक है। मोहब्बतों के साथ समाप्त कर लें। जैसे ही वजीफा हमको अगर शुरू करना है तो वजीफा आप लोग नौचंदी जुमरात से इस वजीफे को स्टार्ट करें। कोई सी भी नौचंदी जुमरात हो, हर महीने की पहली जुमरात जो होती है चांद की, जो चांद दिखने के बाद जो पहली जुमरात आती है उसको नौचंदी कहते हैं। तो ये वजीफ़ा जो है नौचंदी जुमरात से आप स्टार्ट करें और 41 दिन तक आपको ये वजीफ़ा करना होगा। जो मर्द हजरात हैं उनके लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी बीच में, और वो 40 दिन आराम से 41 दिन कर सकते हैं, 41 दिन। लेकिन जो मेरी माँ बहनें हैं उनको बीच में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कुछ वक्त, कुछ दिन ऐसे आ जाते हैं जो परेशानी के होते हैं, नापाकी के होते हैं, तो उस वक्त में जो दिन के, जो नापाकी के दिन रहेंगे वो दिन गिनती में नहीं लगाए जाएंगे। मिसाल के तौर में आपने 10 दिन इस वजीफे को किया, 10 दिन करने के बाद आप नापाकी के हालत में अगर माँ बहन कोई भी हो जाती है तो 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन या 7 दिन, तो वो दिन अपने उसमें काट करके उसके बाद 10 दिन के बाद जो हमने 10 दिन का वजीफा किया था, 10 दिन के बाद जब हम फिर से शुरू करेंगे तो वो 11वां दिन से स्टार्ट होगा। उसके बाद जो है आप इसी तरीके से 41 दिन आप इस वजीफे को कर सकते हैं, हमारे माँ बहन भाई सभी कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं है। तो अब इसका जो टाइम रहेगा हजरात वो मैं आपको बता दूँ, इसका टाइम जो है ईशा की नमाज के बाद आप करेंगे। अगर ईशा की नमाज के बाद में आप इस वजीफे को करते हैं इंशाअल्लाह ताला यकीन कामिल है उस रब्बे कायनात की ज़ात पर जिसने पूरी कायनात को पैदा फरमाया है कि जो मकसद से इंशाअल्लाह करेंगे, अल्लाह ने चाहा वो मकसद में आपको 100% नहीं 101% दावे के साथ सीना ठोक कर मैं कह रहा हूँ कामयाबी आपको हासिल होगी, ठीक है जी। हाँ, अब इसको पढ़ना कितनी बार है, इसका टाइम मैंने आपको बताया ईशा की नमाज के लिए बाद, लेकिन पढ़ना कितनी बार है वो मैं आपको बता दूँ, 11 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ना होगा। ईशा की नमाज आप पढ़ लीजिए, ईशा की नमाज के बाद में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, ठीक है, और सिर्फ 41 मरतबा आपको आयतुल कुर्सी शरीफ पढ़नी होगी, फिर आपको 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना होगा। जब आप पढ़ लें
अगर आपको लगे कि हमारे घर के अंदर कोई बीमार है और बीमार जो है वो किस वजह से है ये पता नहीं चल पा रहा है, अगर हम दवा भी खा रहे हैं और रिपोर्ट हम जांच करा रहे हैं तो नॉर्मल आ रही है, फिर भी हम पता नहीं चल पा रहा है, तो जांचने के लिए समझे कि क्या मामला है, तो उन मरीजों के लिए आप पानी पे दम करें और पानी को पिलाएं। अगर जादू या असरात जादू किया हुआ है वो उसको शिफा नहीं मिलेगी बल्कि उससे और उसको परेशानी होगी, समझ लेना कि जादू या असरात जादू किया हुआ है, ठीक है। और अगर और किसी परेशानी के लिए आप पढ़ते हैं इस वजीफे को इंशाअल्लाह ताला, तो आप दुआ कर लें अल्लाह की बारगाह में, ऐ रब्बे कायनात मैंने इस वजह से इस वजीफे का एहतमाम किया है, इस वजीफे को आयतल कुर्सी का इस ये वजीफा मैंने किया है, या अल्लाह मेरे उस मकसद में तो कामयाबी अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत काजी अल हाजात है, हमारी हाजतों को पूरी फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हम अल्लाह के बंदे हैं, उस नबी की उम्मती हैं जिसके सदक़े में मेरे रब ने पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को, अर्श आज़म दुनिया और अर्श आज़म अर्श कुर्सी सबको पैदा फरमाया है, उसी के सदक़े में इंशाअल्लाह आप दुआ करें, अल्लाह ने चाहा मेरा रब काजी अल हाजात है, हमारी हाजतों को पूरी फरमाए, समझ रहे हैं आप। जी हाँ, इस तरीके से आप 41 दिन ये वजीफे का अहतमाम करें आयतल कुर्सी शरीफ का, और इशा की नमाज के बाद पढ़ें, 41 बार पढ़ना होगा, ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ें। उसके बाद आयतल कुर्सी शरीफ वो आयत है कुरान मुकद्दस की तीसरे पारे में जिसकी तारीफ़ व तौसीफ मैं बयान करने से कासिर हूँ, अगर मैं बयान करने लग जाऊँ घंटे गुजर जाएंगे लेकिन इसकी तारीफ़ ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है आयतल कुर्सी शरीफ के बारे में कि कुरान मुकद्दस में सबसे बड़ी आयत है, सबसे ज़्यादा फजीलत वाली है, इसका पढ़ने वाला अगर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा अगर आयतल कुर्सी शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको मरने के बाद अजाब कब्र से महफूज फरमा देगा। अगर कोई भी इंसान नमाज के बाद 3 मरतबा आयतल कुर्सी शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी जो हाजतें होंगी वो हाजतों को पूरी फरमाएगा। एक शख्स ने अपने बेटे से वसीयत की, ऐ मेरे बेटे जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे सीने पर और मेरे सीने पर किसी कपड़े या कागज़ पे आयतल कुर्सी शरीफ लिख के मेरे सीने पर रख देना, मरना उसके वालिद का जब इंतकाल होता है तो उसकी वसीयत पर उसका बेटा अमल करता है, समझे, यहाँ तक कि जब उसको दफन किया जाता है मुनकर नकीर आते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आवाज़ आती है, ऐ फरिश्तो हट जाओ, इसके सीने में आयतल कुर्सी है, इस आयतल कुर्सी के सदक़े में मैंने इसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं जिसकी इतनी बड़ी तारीफ़ हो, जिसकी इतनी बड़ी फजीलत हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब्र के अज़ाब से महफूज फरमा दे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किसी भी काम के लिए करेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कामयाबी अता फरमाएगा। मेरी हर वीडियोज़ बड़े काबिल तारीफ रहती है, आप इंशाअल्लाह ताला आयतल कुर्सी का वजीफ़ा ज़रूर ज़रूर किया करें, बहुत ही अदबन और बहुत ही एहतरामन आप इस वजीफे का अहतमाम तो कीजिए, अल्लाह ने चाहा कामयाबी आपके कदम चूमेगी। रशीद अख्तर जो भी वजीफे बताता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 100% सच्चाई के नोक पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि और बहुत सारे सोशल मीडिया यूट्यूब फेसबुक पर आपको मिल जाएंगे दाढ़ी मुंडे बैठे हुए हैं, रूहानी इलाज भी कर रहे हैं, तो पैसे देखिए सबसे बड़ी आप पहचान कर सकते हैं, समझे कि तावीज़ में पैसा कमाने वाला बड़े अच्छे अच्छे बंगलों में रहा करता है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, मैं बड़े टूटे फूटे मकान में रहता हूँ, मैं अपनी छत आपको क्या दिखाऊँ, समझे सब कि बैठा वहाँ कोई कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं सब टूटा फूटा, और ये किवाड़े वगैरह समझे छत वगैरह सब देख सकते हैं, समझे सब मेरा ऐसे ही मामला मिलेगा उधर भी सब, तो कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा मामला नहीं है मेरा, ये कोई मिशन नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो रशीद अख्तर आपका भाई है, आपका बेटा है, ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह आपके साथ रहेगा, इलाज करेगा इंशाल्लाह। ज़िंदगी बाखिरी अगली वीडियो मुलाकात करूँगा, अल्लाह हाफिज़, दुआ से मैं फरमा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, देखते रहिए सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल, आपका अपना अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं सरकार का रोज़ा गुंबद है ये, और ये हमारे साथ हमारा भतीजा आसिफ भाई, चलो भाई आसिफ भाई थोड़ी ज़्यारत ज़िंदगी करवा दें, लोगों को दुआएँ कराएँगे इंशाल्लाह ताला। देख सकते हैं आप हज़रत सैयद शहीद सेलमिया रहमतुल्लाह अलैह, सैयद सेलमिया है, हाँ शहीद लिख दिया किसी ने सैयद सेलमिया, अच्छा सैयद सेलमिया है, उर्स मेला कमेटी पूरनपुर ज़िला पीलीभीत, ये जो है ये दरबार जो है पूरनपुर तहसील है, पूरनपुर तहसील जिला पीलीभीत, हाँ पूरनपुर तहसील ज़िला पीलीभीत उत्तर प्रदेश। चलिए खोलो तो गेट आसिफ भाई, माशा
माशाल्लाह। अब अंदर चलते हैं, आप लोग ज़ियारत करें। हाँ, ओ अस्सलामुअलैकुम या हुज़ूर सैयदी सरकार साहिबज़ाद, जो लोग भी आपके तमाम ही मेरे चाहने वाले, मेरे चैनल के व्यूवर्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मैं सरकार की बारगाह मुकद्दस में हाज़िरी मेरी है और आप लोग दुआ करें, मैं भी इंशाअल्लाह ताला दुआ कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सल्लल्लाहु नबी अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु नबी अलैहि वसल्लम, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलाम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, रब्बे क़दीर, परवरदिगार आलम, हम अक्सर अपने गांव से चढ़कर यहां पर तशरीफ़ लाए हैं। या अल्लाह, तो हमारी हाज़िरी को साहिब मज़ार की बारगाह में कबूल अता फरमा, साहिब मज़ार के सदक़े में हम सब की परेशानी को दूर फरमा। मेरे मौला परवरदिगार आलम सैयद सेलम या रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े में हमारे सब के दिली जायज़ मकसद को पूरा फरमा। जो लोग परेशान हाल हैं या अल्लाह, तो साहिब मज़ार के सदक़े उनकी परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह, जो बीमार हाल हैं, तो साहिब मज़ार के सदक़े या अल्लाह, तो उनकी बीमारी को दफ़ा फरमा। मेरे मौला परवरदिगार आलम, जो कर्ज़दार हैं या अल्लाह, तो साहिब मज़ार के सदक़े उन्हें कर्ज़े से निजात अता फरमा। या अल्लाह, जो बे औलाद हैं, सुना है आपके दरबार से, आपके दरबार पर मांगने से बे औलाद वालों को औलाद मिल जाती है। सरकार, अप अल्लाह के बरगुज़िदा बंदे हैं, अल्लाह की बारगाह में आप दुआ फरमाते, जो बे औलाद हैं अल्लाह उन्हें साहिब औलाद बना दे। मेरे मौला परवरदिगार आलम, हम सब का अंजाम बखैर फरमा दे। मेरे मौला, साहिब मदार के सदक़े में जो लाइलाज बीमार हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है अल्लाह, तो उन्हें साहिब मदार के सदक़े उस मूजी मर्ज से निजात अता फरमा। या अल्लाह, तो साहिब मदार के सदक़े जिनके घर में जवान बेटियां हैं, तो उनके लिए नेक साले रिश्ते अता फरमा दे। मेरे मौला परवरदिगार आलम, जहाँ जहाँ तेरे बंदों पर जुल्म हो रहा है, साहिब मदार के सदक़े अल्लाह, तो उनकी हिफाजत फरमा। मेरे मौला परवरदिगार आलम, इस बुज़ुर्ग की बारगाह से ज़माना फैज़ पाता है, हम भी तेरे महबूब की बारगाह में हाज़िर हुए हैं अल्लाह, हम सब की आर्ज़ुओं को पूरा फरमा दे। जो लोग, जो आँखें सरकार आपके रोज़े की ज़्यारत कर रही हैं, साहिब मज़ार सेला सैयद सेला बाबा रहमतुल्लाह अलैह, सेला मियाँ साहब, आपके रोज़े की जो आँखें ज़्यारत कर रही हैं अल्लाह, तो साहिब मज़ार के सदक़े ऐ बाबा, उनकी ज़िंदगियों को आप सजा दीजिए। या अल्लाह, जो साहिब मज़ार के, ए साहिब मज़ार सेलामिया, जो आपके चाहने वाले ग़ुलाम, आपके दीवाने, आपके रोज़े की ज़्यारत कर रहे हैं, आपके रोज़े को देख रहे हैं, ए साहिब मज़ार, उनको आप मदीने शरीफ़ की हाज़िरी नसीब फरमा दें। उनके मुकद्दरों में अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमा दें, उनके हाल ज़ात पर करम हो जाए, उनके हाल ज़ात पर नज़र करम हो जाए। सरकार करम फरमा दें। जो जादुई असरात में मुलब्बिस हैं, जो जादुई असरात में घिरे हुए हैं, सरकार आपके सदक़े में अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमा दें। ऐ रब्बे कायनात, साहिब मज़ार के सदक़े में अल्लाह, तो उन्हें जादुई असरात से महफूज अता फरमा दे। ख़ास कर या अल्लाह, तो साहिब मज़ार के सदक़े मेरे चैनल सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड को उरूज अता फरमा दे। जिस तरीक़े से मैं खिदमत कर रहा हूँ या अल्लाह, तो उसी तरीक़े से मेरी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और या अल्लाह, मुझे दुश्मनों से मेरी हिफाजत फरमा। मेरे मौला परवरदिगार आलम, नजर बस से मुझे और मेरे चैनल को बचा। मेरे मौला परवरदिगार आलम, साहिब मदार का सदका मुझे अता फरमा दे। आप तमाम हजरात दुआ फरमा लें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, रब्बे क़दीर, परवरदिगार आलम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बे सरो सामा मददे, क़िबलाए दी मददे, काबाए इमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती,
मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। इलाही रंज गम का फूर कर दे, ये सीने नूर से मामूर कर दे। नबी की काली जुल्फों का तसद्दुक, स्याही हम सब के दिलों की दूर कर दे। तने खाकी में खुदा जब तलक ये जान रहे, तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पर क़ुरबान रहे। कुछ रहे या न रहे पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत हम सब का ईमान रहे। आखिरी वक्त आखिरी सांस यही कलमा शरीफ हम सब की ज़ुबान से जारी हो, यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ज़ियारत करें दिल की गहराइयों के साथ। आगे अभी और भी कुछ बहुत कुछ बाकी है।